अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अच्छा यार, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि चलो यार फर्स्ट गन ना चैलेंज करते हैं, कि मतलब पहले जो भी गन हाथ लगी ना उसी के साथ खेलना है। मतलब कोई इशू नहीं होता इस चीज़ में कि मतलब इंसान खेल लेता है, इंसान अच्छा थोड़ा बहुत खेलता होना, इंसान ईजिली उसी के साथ भी सर्वाइव कर लेता है। लेकिन सोलो वर्सेस स्क्वाड में इशू ये होता है कि भैंस की यहाँ कोई ना कोई कैंपर आके मार देता है, इतनी तप चढ़ती है ना। मतलब अच्छी खासी गेम जा रही होती है, कैंपर आपका बेड़ा गर्क कर देता है, लिटरली बेड़ा गर्क कर देता है आपके सारे कंटेंट का। तो खैर, हिम्मत नहीं हारता, ट्राई करता हूँ करता हूँ करता हूँ, फेल होता हूँ, लेकिन एट लास्ट ठीक है, मेरा कंटेंट निकल ही आता है, फर्स्ट गन चैलेंज कंप्लीट होता है। यार यहाँ पे इवेंट पे मुझे दो ही बंदे मिलते हैं। खैर इन शॉर्ट अब बात यह है कि भाई जान, मैं ना कोई 8-9 बंदे मारने के बाद ना यहाँ से फ्लैंक कर रहा होता हूँ कि मैं चलो मुझे एक अच्छा सा एंगल मिल जाए, लेकिन भाई सारी मेहनत पे पानी फेर दिया भाई ने। खैर फिर ट्राई करता हूँ, अब ये चेक करना भाई, कोई सांस की आवाज़ भी नहीं दे रहा है बंदा, अचानक निकल गए ख़त्म। और मुझे ये समझ नहीं आई कि इसे इतना डैमेज दिया है, कैसे बचा ये। थर्ड ट्राई होती है, इवेंट पे आता हूँ, ये लो काम ख़त्म। यार मेरा इस वक्त इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना कि मेरा दिल कर रहा था दीवार में मोबाइल उठा के मारो। अब यहाँ पे 9 किल होते हैं, अच्छा खासा अच्छे से किल हो जाते हैं, ठीक है बिल्कुल सेकंड लास्ट सर्कल होता है। अब मतलब बड़ा मेरे लिए इजी होता है, देखो अब 4 बंदे रह गए, सिर्फ 3 बंदे मेरे अलावा लाइव है। अब मैं यहाँ पे ड्रिंक पी रहा होता हूँ, फिर ऐसे इन कैंपर का बेड़ा गर्क हो, ये ऐना कोंडाज जो होते हैं ना, ये कहीं जीने नहीं देते भाई। सिर्फ ड्रिंक पीने के लिए मैं नीचे लेटता हूँ, ये भाई ख़त्म। लेकिन फाइनली मैं फिर इवेंट पे लैंड करता हूँ, मेरे हाथ एक कैम लगती है। तो यार यहाँ पे इवेंट पे कोई बंदा आता नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ये जब एडिट कर रहा हूँ देखा है कि यहाँ पे ना डीपी पड़ी हुई है, अदरवाइज मुझे नज़र नहीं आती। खैर इवेंट पे कोई बंदा नहीं आता तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे फायरिंग का साउंड आता है, ठीक है स्पाइडर मेरे पास होता है, तो स्पाइडर हमने अभी इसका नाम लगाया हुआ है, यार वेब शूटर हमारे पास होता है। तो यहाँ सब आप लोग मुझे कहना है यार क्या फालतू बंदा है, लेकिन यार अगर सोच के देखो कि बंदा 14-15 मिनट की गेम खेल रहा है, ठीक है उसके बाद लास्ट पे जाके कैंपर उसे मार देता है, ठीक है मतलब उसका चेक करो कि उस बंदे के उस वक्त क्या मतलब उसकी होगी, क्या वो सोचता होगा, किस तरह का उसका माइंड सेट होगा। क्योंकि ये अभी मैंने आपको बहुत थोड़े क्लिप्स दिखाए हैं, ठीक है मैं कम से कम 15-16 दफ़ा ट्राई किया फर्स्ट गन चैलेंज, ठीक है 15-16 दफ़ा ट्राई किया, 10-10 मिनट की भी गेम लगाओ, 3-4 घंटे मुझे हो गए तो मेरी बस हुई थी, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। तब इस बंदे का मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये बंदा है कहाँ पे, ये बंदा भी कोई अजीबोगरीब मखलूक था, एक जगह टिक ही नहीं रहा था। तो अब मैं मतलब ना फुल करता हूँ कि यार चलो कोई नहीं, अब जाना तो है ही ना अब, क्योंकि बंदे भी ख़त्म हो रहे थे, किल भी निकाल लेते थे, ये तो हो नहीं सकता कि भाई फर्स्ट गन चैलेंज है तो बता 3 किल के साथ चिकन निकाल ले। तो खैर मैं अब आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पहले यहाँ पे नज़र आता है, मैं भाई डर जाता हूँ। अब मेरा ये होता है कि यहाँ पे नीचे से ना मैं जंप करूँगा, दरवाज़ा खुला होगा, वो बगैर के बच्चे ने दरवाज़ा बंद किया होता है। लेकिन अब यहाँ चेक करना अपने भाई का एंगल, आपके भाई जैसा एंगल बना के उसे मारा ना, उसे खुद 14 तबक रोशन मिल गया। आया मज़ा नहीं आया, चले कोई गल नहीं, लास्ट की फ़ाइट का मज़ा लेना। अभी शुरू में यार आपको पता है कुछ नूब्स होते हैं कुछ प्रोज होते हैं, मज़ा नहीं आता इनके साथ फ़ाइट का, लेकिन फ़ाइट का जो असल मज़ा होता है ना किसी भी कंटेंट गेम प्ले का, ठीक है वो लास्ट पे ही आता है। खैर यहाँ पे एक ट्रियो बैठा होता है, मतलब फुल स्पॉट होता है, एक तो मैं इनका नॉक फिनिश कर देता हूँ जो आपको पहले दिखाया, ठीक है एक ये बंदा होता है, तो होता है फुल नूब स्क्वाड ही है ना। तो अब मैं यहाँ से नीचे जंप करता हूँ, अब मुझे पता होता है कि उसको रिवाइव दे रहा होगा, क्योंकि इस बंदे की मूवमेंट से पता लग गया था कि नूब स्क्वाड ही है। तो ये सर्वाइव दे रहा होता है, इसे फिनिश करता हूँ, इनका एक और बंदा होता है वो भी मतलब इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ, इसलिए मैं वो दिखाया नहीं। खैर यहाँ पे मेरा क्लच पूरा होता है, उसके बाद ना ये मुझे रिकॉल से फायर आते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बंदा बड़ा हैवी वाला ना 1v2 करता है अपनी बंदी को बचाने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए भाई रिकॉल का टाइम जो ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन इसका हो जाता है हैवी वाला स्कैम, ठीक है ये मतलब रिकॉल कर दिया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको नॉक करता हूँ, मुझे पता होता है कि इसकी बंदी ने आना ही आना है, आना ही आना है। 2000 years later मुझे 99.9% छोटी होती, बल्कि 100% छोटी होती है कि वो बंदा यहीं पे लैंड होगा। आ गई माल आ गया और वही बात होता है वो बंदा यहीं पे लैंड होता है। अब ये चेक करना, अरे टीना यार अब गलत ना समझना, टीना बाजी अपने आशिक को बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन उनके साथ हो जाता है हैवी वाला प्रैंक। खैर ये स्क्वाड भी गया, मतलब डुबो ही था आई थिंक सो। तो उसके बाद ये कर भी रह जाता है, ये बड़ा जोन के अंदर से ना, मतलब मैं इसके फायरिंग शायरिंग देख रहा होता हूँ, किल मैसेज देख रहा होता हूँ, ये बंदा बड़ा ना जोन के अंदर अच्छा मतलब मार के आता है।
खैर अब मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आता हूँ, इसका टीममेट इसी को दोबारा रिवाइव कर देता है, रिकॉल कर देता है। अभी मेरे स्प्रे चेक करना कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा, नहीं दिया अच्छा, दिया ना यार देख लो। खैर उसके बाद इसको भी मारता हूँ मैं, ठीक है। ये स्प्रे भी अच्छा था, नहीं यार अच्छा था, मान लो अच्छा था यार, मानना पड़ेगा। खैर उसके बाद जी अब मुझे ये नज़र नहीं आ रहे होते, जोन भी आ रहा होता तो मैं कहता चलो यार जोन में चलते हैं, जोन में जाके ना फिर इनको आगे से देखते हैं, ठीक है। एक वो अब नोक हुआ पड़ा होता है, इसको मैं नोक फिनिश मारता हूँ, ठीक है। अब साथ ही ना मुझे पहाड़ी से आते हैं साउंड, फिर टैप टैप भाई का चेक करना है अपने। यार AKM जो टैप टैप पे चलती है ना वो स्प्रे पे भी नहीं चलती, सीधी जोन सी बात है, लिखवा लो भाई मुझे किसी जगह पे। यार अब ये बंदा जोन में से आ रहा होता है, मुझे नहीं पता चलता यार ये बंदा बचता कैसे है, मतलब इतना ही अगर बचा भी होगा ना लिटरली 1 HP का बचा होगा। खैर अब ना मतलब रह जाते हैं 9 बंदे, 13 किल हो जाते हैं, किल भी अच्छे खासे हो जाते हैं। और यहाँ पे भाई जान फारिक मेरा चला जाता है नेट, और मेरा यहाँ पे इतना दिमाग ख़राब होता है, इतना मैं अपनी मतलब डिवाइस होती है, मैं कभी इसको इधर रख रहा हूँ, कभी इधर रख रहा हूँ, कभी ऊपर रख रहा हूँ, कभी नीचे रख रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर यार मैं इंटरनेट की वजह से मरा ना, मैंने ये चैलेंज नहीं करना, लिटरली मैंने ये चैलेंज नहीं करना। लेकिन इंटरनेट भाई कहाँ सेट होना था, एक दफ़ा ख़राब हो जाए। खैर एंड पे मैं नेट चेंज करता हूँ, जुगाड़ शुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइट हो रही होती है, मुझे बंदा पता नहीं चल रहा होता कि बंदा है कहाँ पे, मैं काफ़ी इधर उधर जाता हूँ, लेकिन फिर लास्ट पर चलता है कि बंदा वो ना घर के अंदर है। तो मैं वेब यूज़ करके जाता हूँ, तो अब अपने भाई की ना ट्रिक नहीं मतलब एक साइंसदानी चेक करना। अब मैं वेट करता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि बंदा, क्योंकि मैं देखा नहीं है बंदे की ना मूवमेंट से पता चल जाता है कि बंदा किस कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन मैं उसको अभी तक देखा ही नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। मेरे ना यहाँ अचानक मुझे ना उसके ड्रिंक खोलने की आवाज़ आती है, मैं कहता अच्छा पुत्र साढ़े ना चला, वो अच्छा खासा मुझे डैमेज नहीं दे पाता। तो खैर यहाँ पे रहता है एक बंदा, अब मुझे डर ये होता है कि यार अगर मैं यहाँ पे मरा तो मैं मतलब मेरी गेम तो ख़त्म है, मैं तो फारिग हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार साइको आराम आराम से, होले होले से, होले होले से हवा चलती है। मैं मतलब यहाँ फ्लैंग करके यहाँ पे आता हूँ अपना, ये मेरे साथ मैंने इसको यहीं पे ले जाना था, लेकिन मतलब चुस बच जाती है ये चेक करना। तो यार वो कवर होता है ना, दरअसल फायर उधर लगते रहते हैं, और एक दफ़ा को पता है, एक दफ़ा AKM का फायर हिल गया तो मतलब हिल गया, उसके बाद तो चांस ही पता नहीं होता कि मतलब आप ना ठीक कर सको। अच्छा अब मैं मतलब यहाँ पे इसको डैमेज देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब इतना खास डैमेज नहीं होता, लेकिन मुझे पता होता है कि इसने वहाँ खड़े होकर ना हील करनी करनी है, क्योंकि AKM के फायर लगे हैं, अगर 20-30% तो हो गया होगा। ए अब ये फायदा होता है, ये हो गया फिनिश। इसी के साथ मेरा चैलेंज कंप्लीट होता है, और मुझे सुकून की सांस आती है, और मैं सुकून से सोता हूँ, लिटरली सुकून से सोता हूँ। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।